दोस्तों, नया दिन, नया सफर, और आज हमारे सफर की मंजिल है माउंट आबू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंडर जोगी। तो शुरू करते हैं आज के इस सुहाने सफर को। दोस्तों, घड़ी में बज रहे हैं 9:15 और माउंट आबू उदयपुर से लगभग 170 किलोमीटर दूर है, जहां हमें पहुंचने में अगर हम कंटिन्यू ड्राइव करते हैं तो लगभग 3.5 से 3.5 घंटे लगते हैं, और बीच में अगर हम कहीं रुक गए नाश्ते वगैरह के लिए तो लगभग 4.75 घंटे हमें लगेंगे। दोस्तों, माउंट आबू समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू का सबसे नजदीकी जो एयरपोर्ट है वो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है उदयपुर में, लगभग 180 किलोमीटर। ट्रेन के द्वारा आना चाहते हैं तो आबू रोड सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, करीबन 35 किलोमीटर पड़ता है। बाय रोड भारत के कई प्रमुख शहरों जैसे नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, उदयपुर और अहमदाबाद से माउंट आबू के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं, तो आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। उस्ताद, पता ही नहीं चला और आबू रोड पहुंच गए। अभी आबू की हसीन पहाड़ी पर हम चढ़ रहे हैं, देखिए आप। और अभी हम यहाँ रुके हैं दोस्तों, कुछ वानर मित्र मिल गए तो फादर इन लोग उनको बिस्किट खिला रहे हैं, देखिए आप, एंजॉय करिए, फिर चलते हैं। दोस्तों, माउंट आबू आबू रोड से लगभग 30 किलोमीटर है और करीबन 1 घंटा हमें लगता है, क्योंकि सर्प के आकार की पूरी सड़क है। दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग माउंट आबू और अभी हम हैं टैक्स कलेक्शन काउंटर के बाहर। जी हाँ, यहाँ एक छोटा सा एंट्री टैक्स लगता है टू व्हीलर और फोर व्हीलर का। आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं गुरु शिखर। माउंट आबू से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरु शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, गुरु शिखर की समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई है, इसकी वजह से यहां से अरावली रेंज और माउंट आबू के हिल स्टेशन का मनमोहक दृश्य नजर आता है। एक बात और कहना चाहूंगा कि माउंट आबू आने के लिए आपको किसी भी मौसम का या महीने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी मौसम या किसी भी महीने में यहाँ आ सकते हैं। आपको यहाँ का जो वेदर है, जो एनवायरनमेंट है, वो हमेशा परफेक्ट मिलेगा। न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा ठंड, एकदम पीसफुल। साथ गुरु शिखर के अलावा नकी लेक, देलवाड़ा जैन मंदिर, सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट, ये कुछ और भी फेमस जगह हैं। फ्रेंड्स, देलवाड़ा जैन टेंपल जो है वो गुरु शिखर के रास्ते में ही आते हैं, तो अभी हम लोग वापिस जब गुरु शिखर से लौटेंगे तो वहां पे रुक के दर्शन करेंगे और आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे। तो चलिए अभी गुरु शिखर चलते हैं। दोस्तों, गुरु शिखर से पहले हमें वहां जाने के लिए कुछ छोटा सा टैक्स देना पड़ता है, लगभग 20 रुपए का, जो अभी हमने दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, नीला आसमान, दोनों तरफ पहाड़ पहाड़, चट्टाने, मतलब अद्भुत नजारा है दोस्तों। तो पहुंच चुके हैं हम लोग गुरु शिखर और सीढ़ियां चढ़ना चालू कर दी है। लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है दोस्तों यहाँ पे, बट पता ही नहीं चलता और आप कब पहुंच जाएंगे। दोनों तरफ दुकानें हैं जहां पर हैंडीक्राफ्ट के सामान मिलते हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं, चाय वगैरह की स्टॉल्स भी हैं,
यहाँ पे दोस्तों एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे कि फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं वो खाने के लिए मिलते हैं, जो मुझे बहुत ही पसंद है। तो आप भी लुफ्त लीजिए। तो ये सामने मंदिर है और अभी हम लोग आ चुके हैं सबसे टॉप पर गुरु शिखर के। जी हाँ दोस्तों, देखो चारों ओर नीला आसमान ही नजर आएगा आपको। देखिए मतलब माइंड ब्लोइंग नजारा दोस्तों, एकदम आग, कत्तई आग है दोस्तों, कत्तई आग, क्या कहने दोस्तों। ये जो सामने दिख रहा है ये सोलर ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि सौर वेधशाला। यहाँ पर साइंटिस्ट चांद सितारों और उनका अध्ययन करते हैं दूरबीन के द्वारा। ये दोस्तों ये फेमस बेल है यहाँ की, जहाँ पे फोटो खिंचवाना बहुत ही मस्ट है। अगर यहाँ आके फोटो नहीं खिंचवाया बेल के साथ तो फिर यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है। करीबन घंटा भर रुकने के बाद में हम लोग अभी नीचे आ गए हैं और ये जो सामने देखा अभी आपने, ये देलवाड़ा मंदिर है दोस्तों। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए हमने पास की ही एक टेरेस पे जाके बाहर का ये वीडियो शूट किया है ताकि आपको दिखा सकें। ये आसपास का मार्केट है, देखिए आप यहाँ से भी आपको नीला आसमान और पहाड़ नजर आएंगे। देलवाड़ा टेम्पल जा रहे हो और चाय पीने की तलब हो तो देलवाड़ा टेम्पल के सामने ही ये जय श्री चामुंडा चाय स्टॉल है, तो यहाँ रुक के चाय अवश्य पीजिएगा। बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं भैया। और जब हम चाय पीने रुके तो दो राइडर्स हमें मिले, देखिए हिमालयन खड़ी है। दोस्तों चाय पीने के बाद हम लोग अब आ गए हैं सनसेट पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, शाम के करीबन 5:30 बज चुके थे तो हमने सोचा क्यों ना पहले सनसेट पॉइंट ही चला जाए। तो दोस्तों ये अभी हम जहाँ आए ये टिकट काउंटर चेक पोस्ट है, यहाँ पे टिकट लेके फिर अंदर आप जा सकते हैं। तो हमने टिकट ले लिया है, अभी अंदर चल रहे हैं तो आप भी चलिए। दोस्तों लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, तो अगर आप ज़्यादा नहीं चल सकते हैं चढ़ाई पे तो घोड़े या ये जैसे गाड़ी वाले भैया हैं गाड़ी में बिठा के भी ले जाते हैं, तो आप किसी भी साधन पे बैठ के और वहाँ तक जा सकते हैं। हम जब ऊपर चढ़ रहे थे ये भैया ने हमें काफी रिक्वेस्ट की कि आप गाड़ी में बैठ जाओ, तो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और हमारी होम मिनिस्टर इस गाड़ी में बैठ गई और आनंद लिया गाड़ी में बैठने का। गाड़ी आगे जा चुकी है तो देखिए दोस्तों गाड़ी किस तरह से चलाते हैं लोग, एकदम फर्राटेदार। देखिए अभी आई ट्रॉली में, ये आंटी और अंकल बैठे हुए हैं, देखिए शर्ट करके निकल गई। हम सनसेट पॉइंट आ चुके हैं और सनसेट पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे भी कुछ छोटी छोटी शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पे आपको गर्म कपड़े शूज वगैरह मिलेंगे, तो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सनसेट पॉइंट की।
उस्ताद एक बात कहूंगा कि सनसेट पॉइंट जब आप आए तो सनसेट का जो टाइम है उससे आधा एक घंटा पहले तो एटलीस्ट अगर पहुंच जाए तो आपको बैठने की और सनसेट देखने की अच्छी जगह मिल सकती है, नहीं तो यहाँ पे इतना रश रहता है कि खड़े रहने का भी जगह नहीं होता। देखिए आप सामने देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है वहाँ पे उस जगह पे, और अभी आपके सामने लालिमा लिए हुए सूरज दादा अस्त हो रहे हैं। दोस्तों आबू के सनसेट पॉइंट की एक खास बात यह है, और आप भी देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा रहा हूं कि कोई भी पहाड़ आपको नजर नहीं आएगा जिसके पीछे वो अस्त हो रहे हैं। देखिए सूरज दादा अस्त हो चुके हैं। फ्रेंड्स सनसेट का एकदम अद्भुत नजारा देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं नक्की लेक पर। तो ये आप जो देख रहे हैं ये मार्केट है यहाँ का, मॉल रोड जिसे आप कहते हैं। यहाँ पे काफी तरह की शॉप्स हैं। यहाँ की जो फेमस सबसे चीजें हैं वो यहाँ की आइसक्रीम है। तो अभी हम एक बार नक्की लेक पे घूम के फिर हम आपको ले चलेंगे आइसक्रीम की शॉप पे भी, तो देखिएगा आप भी। माइंड ब्लोइंग नजारा है दोस्तों, देखिए क्या लाइट गिर रही है नक्की लेक में। ये मैडम और फादर इन लोग एंजॉय करते हुए, ये कुछ हमारे भाई जब हम नक्की लेक से बाहर आए तो डांस कर रहे थे, तो सोचा हम भी क्यों ना एंजॉय करें, तो वीडियो बनाया और हमने भी थोड़ा डांस किया, फिर आगे बढ़ गए हम लोग डांस करने के बाद आइसक्रीम खाने के लिए। जी हाँ दोस्तों आइसक्रीम खाने के लिए, तो अभी हम आइसक्रीम शॉप पे जा रहे हैं। और ये देखिए ये राइट साइड में जो शॉप है ये फेमस आइसक्रीम शॉप है। फ्रेंड्स आइसक्रीम खाने के बाद में अब फैमिली साथ में है तो शॉपिंग तो बनती है, तो चलिए हम भी शॉपिंग करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ शॉपिंग करिए। और आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।